जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आज देखिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। तीसरे चरण में 7 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुल 40 सीटों पर अंतिम चरण में वोटिंग हो रही है। जम्मू संभाग की 24 सीटों पर वोटिंग जारी है। कश्मीर संभाग की 16 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 39 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 20.09 लाख हैं, महिला मतदाता 19.09 लाख हैं, थर्ड जेंडर वोटर्स 57 हैं। आपको बता दें 18 में से 19 साल के युवा मतदाता हैं 1.94 लाख, दिव्यांग मतदाता 35,860, बुजुर्ग मतदाता जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है 32,953 है। कश्मीर में बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला में 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जम्मू में जम्मू सांभा, कठुआ, उधमपुर की 24 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो फिलहाल देखिए आज का दिन बहुत खास है, अंतिम चरण का मतदान है और इसी के साथ साथ जो चुनौतियाँ हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बनी हुई हैं। तरीके से वो भी कह रहे हैं कि देखिए ये तो समय बताएगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, हमें 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा, लेकिन अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा उन्होंने जताया है। हालांकि ये जानकारी आपको दे दें कि 40 सीटों को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो ये आखिरी चरण का मतदान हो रहा है इसमें 415 उम्मीदवार है, और कहीं ना कहीं इस बात को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत हो जाती है कि जम्मू संभाग में और कश्मीर में भी दोनों ही जगहों पर आज वोटिंग की प्रक्रिया जो करवाई जा रही है आखिरी चरण में, इसमें एक पूरा क्षेत्र ऐसा आता है जो कि बीजेपी के पास ज्यादा वोट बैंक की संख्या यहां मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो कश्मीर में मिला जुला रिस्पॉन्स अधिकतर दिखाई देता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, तीसरा चरण, अंतिम चरण, और देखिए 40 सीटों के लिए वोटिंग है। फिलहाल सबसे पहले तैयारियों का हम जिक्र कर लेते हैं, क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था माकूल की गई है। तो फिलहाल देखिए जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रक्रिया को लेकर के जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी आपको और अधिक अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और ईवीएम में आज कई उम्मीदवारों की किस्मत क्योंकि कैद हो रही है, जिसका नतीजा 8 अक्टूबर को आएगा। लेकिन उससे पहले आपने देखे कि पहले दो चरणों में जिस दौरान चुनाव हुए वो बेहद ही सफल साबित हुए, यानी कि शांतिपूर्वक उन चुनाव को संपन्न करवाया गया, और आज आखिरी दौर का ये चुनाव अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका है और सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके तहत में तमाम बातों का ध्यान भी रखा गया है, व्यवस्थाएं भी वोटर्स के लिए की गई हैं कि अगर बुजुर्ग वोटर्स भी पहुंचते हैं मतदान केंद्रों तक तो उन्हें भी किसी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े, सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ लोगों को खासतौर पर ये इनिशिएटिव पहले ही कई नेताओं की ओर से लिया गया था, लोगों को प्रेरित किया गया कि आप मतदान केंद्रों तक पहुंचिए। दीपांकर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर देखिए जाहिर सी बात है 7 बजे से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, शाम को 6 बजे तक चलेगी। सबसे पहले आपसे हाल जानना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था कितनी माकूल? दीपांकर, बूथ पर मौजूद है और लोगों ने ठीक 7 बजे से पहले ही अपना यहाँ पे जो पूरी लाइन लगा दी थी और वोटर्स अंदर चले गए थे। अब वोटर्स अपना वोट कास्ट करके आ गए हैं। हम अपनी तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं, हमारे साथ एक वोटर है। सर पहले तो निशान दिखा दीजिए जो आपने वोट कास्ट किया है, क्योंकि आप लाइव हैं, और साथ में ये बताइए कि आज क्या मुद्दे हैं, खासकर उधमपुर की अगर हम बात करें तो क्या मुद्दे आते हैं? आज उधमपुर की प्रधानमंत्री के उपलक्ष्य पे ही हम यहाँ पे वोट कास्ट करने आए हैं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहा हूँ, अब रिटायरमेंट के बाद मुझे ये पहला मौका मिला है, क्योंकि बीच में कहीं पोलिंग स्टेशनों में हम ड्यूटी करते रहते थे,
तो मौका नहीं मिला। तो जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब हमें वोट कास्ट करने का मौका मिला, तो आज बड़ी देर के बाद ये मौका मिला है तो हमने वोट कास्ट किया। कोशिश की कि सबसे पहले मैं वोट कास्ट करूं, तो मेरे एक दोस्त हैं, मेरे नेवरी हैं विपन दुबे जी, उन्होंने पहले कास्ट किया, तो फिर दूसरा नंबर पर मैंने कास्ट किया है। तो ये है कि उधमपुर अगर देखा जाए तो उतनी देर से जब भी उधमपुर में ये पॉलिटिक्स और जो हमारे जो यही इस असेंबली से एमएलए आते हैं हमेशा इन्होंने अपोजिशन की है, रूलिंग पार्टी से नहीं आते, इस वजह से मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हुई हो पाई। ये हमारे साथ वोटर थे और हम आपको बताते चले कि एक करके अभी लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। पूरे जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो जम्मू प्रांत की 24 सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी हाई प्रोफाइल यहाँ पे सीट्स हैं, डिप्टी सीएम कांग्रेस के ताराचंद जो है वो वोट करने पहुंचे हैं। उसके अलावा तमाम हम आपको बताएं कि लाल सिंह है, इसके अलावा उधमपुर के चिनैनी में हर्ष देव जो तीन बार एमएलए और एक बार एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, खुद सजाद लोन जो है वो कश्मीर में बारामूला के इलाके से जो है वो दो जगह से लड़ रहे हैं, यानी कि काफी हाई प्रोफाइल सीट्स जो है वो फंसी पड़ी हैं। कई जो रेबल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्टेक जो है वो जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू प्रांत की इन 24 सीटों पर लगा हुआ है। अगर हम पिछली बार की 2014 की बात करें तो लगभग 17-18 सीट्स जो है वो बीजेपी को यही इन्हीं 24 में से मिली थी और टोटल बीजेपी ने 25 सीट्स हासिल की थी। अभी क्योंकि बीजेपी टारगेट कर रही है जी, लेकिन दीपांकर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि देखिए कांग्रेस जिस तरह ताराचंद को उन्होंने मैदान में उतारा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि ये सीट खासतौर पर ताराचंद हो या फिर कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार क्यों ना हो, लेकिन ये सीट खासतौर पर उनके नाम पर हो जाती है। साथ ही हम इस बात को भी समझना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि जम्मू संभाग में पूरी तरीके से सीटों के अगर आंकड़े को समझने की कोशिश करते तो बीजेपी के पास वो दबदबा रहा है शुरू से, 10 सालों के बाद ये मौका मिला है, क्या तस्वीर इस बार जम्मू की भी बदलते दिखाई दे रही है? और कश्मीर का भी हम जिक्र करेंगे कि कश्मीर और जम्मू में क्या परिवर्तन दिखाई देगा या जम्मू में वो रिपीटेशन होगा लेकिन कश्मीर में बदलाव होगा? देखिए पहले जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में कठुआ, सांबा, उधमपुर और जम्मू चारों जगह पे ये वोट जो है ये कास्ट हो रहे हैं, यानी कि इस चीज को आप समझ लीजिए यहाँ पर बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है तो यहाँ से 100% नहीं तो कम से कम 80% से ज्यादा सीट्स जो है वो जीत कर लानी है, और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई काम खराब कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के अंदर खाते कले है, जैसे उधमपुर ईस्ट जो सीट है, उधमपुर ईस्ट में पवन खजूरिया जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट तक गए और 35 साल बीजेपी में रहे, अब वह रेबल कर चुके हैं और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इस तरह के कई कैंडिडेट्स हैं जो बीजेपी का काम जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं जम्मू में। बहरहाल बीजेपी के अगर नेताओं की हम बात करें तो बीजेपी के नेताओं में नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा एक बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ब्रदर हैं ये, और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू के आउटस्कर्ट्स में पड़ती है, यहाँ से देवेंद्र सिंह राणा जो है वो वोट अपना जो है उम्मीदवारी उनकी है। इसके अलावा जम्मू में चंद्र प्रकाश गंगा है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, श्यामलाल शर्मा है, तमाम जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी पीडीपी की सरकार में उन लोगों का स्टेक जो है वो लगा हुआ है। रही बात कश्मीर घाटी की, कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा अगर हम कहें तो एक किस्म से चिंता बढ़ गई है, डर लग रहा है, क्योंकि ये पूरा जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, नॉर्थ कश्मीर का वो इलाका है जहां पर पहले बारामूला लोकसभा सीट हुआ कर है पूरी, और इन्हीं 16 विधानसभा सीटों को मिलाकर जो बारामूला की लोकसभा सीट बनती है, 2 लाख वोटों से यहां पे उमर अब्दुल्ला हारे थे अभी 3-4 महीने पहले की बात है। और आपने सुना होगा जिस तरह अपनी तकरीरों में बारामूला में उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि आप लोग 4 महीने पहले भी कहा करते थे उमर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और पीछे भाई साहब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, पीछे से सारे गायब हो गए।
तो ये जो बात है ये साफ दर्शाती है किस तरह से उमर अब्दुल्ला की चिंता बढ़ी हुई है। उन्हें लगता है कि अगर इंडिपेंडेंट, खासकर इंजीनियर रशीद का काफी ज्यादा दबदबा बारामूला में है, उनके जो कैंडिडेट्स उतरे हैं वो कहीं ना कहीं काम खराब कर सकते हैं। साथ ही साथ सेपरेटिस्ट कैंडिडेट्स, सेपरेटिस्ट कैंडिडेट्स में जमात इस्लामी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उतरे हैं। यहाँ तक कि सोपोर में हम आपको बताएं, अफजल गुरु का जो सगा भाई है, रियल ब्रदर है अफजल गुरु का, वह चुनावी मैदान में उतरा है। और अगर वहां का नैरेटिव अगर आप समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि काफी सपोर्ट जो है वो उन्हें वहां मिल सकता है। और ये सारा खेल जो खराब होना है ये आ जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस का होना है।